दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावलपिंडी की एक रोड जिसे उमर रोड कहते हैं और ये रोड क्लाइम बक्स रोड भी कहलाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमने मरी रोड कमेटी चौक से लेफ्ट को टर्न लिया और इस वक्त हम रोड क्लाइम बक्स रोड पे हैं। आप राइट पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स और होटल्स वगैरह इस वक्त ओपन है, जिसमें कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। शाह की इटालियन की जो ज़्यारत है उसके साथ जो कब्रिस्तान है वो एरिया आप इस वक्त देख रहे हैं। आगे जाते हैं तो ये जो रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता आगे जाके मई रोड की तरफ निकल जाता है। मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स यहाँ पे आप देखते हैं, एक कतार में शॉप्स हैं। एक छोटी सी तंग सी रोड है लेकिन ये काफ़ी पुरानी और क्या में पाकिस्तान से कबल की ये रोड बनी हुई है। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी आपको नई और पुरानी देखने को मिलेंगी। कुछ मैकेनिक्स हैं गाड़ियों के, बाइक्स के, उसके अलावा क्लोथ्स की शॉप्स, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपको आना है तो बेसिकली आप मई रोड की तरफ से भी आ सकते हैं और पीएफ सिनेमा की तरफ से भी आप आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ गलियाँ हैं जो यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकलती हैं, जिसमें आर्यमला हो गया, दो खब्बा हो गया और दो किलाई पार्क्स वगैरह, नदीम कॉलोनी हो गई, ये उसकी तरफ निकलता है। ये एक स्ट्रेट रोड है, काफ़ी लंबी है। इसके लेफ्ट राइट बहुत सी छोटी छोटी गलियां हैं जो कि आगे इस एरिया को मज़ीद गुंजान आबाद बनाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद इलाकों के बारे में भी हम आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें, क्योंकि हमारा मकसद पूरे पिंडी को एक स्ट्रीट व्यू की शक्ल में आपको दिखाना। ये एक स्क्रैप डीलर है, कुछ नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। ये एक मिक्स तिजारती इलाका है लेकिन खासा गुंजान आबाद है और रावलपिंडी के उन इलाकों में से है जो कि बहुत कदीम है और बहुत ही फेमस भी है। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, हर किस्म की सहूलतें यहाँ पाई जाती हैं, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, ग्रोसरी स्टोर है या किसी इंटरसिटी ट्रैफिक के लिए आपको कन्वेंस चाहिए तो वो भी यहाँ से आप बसानी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्राफ्टमैन भी हैं जो कि इस इलाके में काफ़ी शोहरत रखते हैं। किसी किस्म की ड्राइंग, होम ड्राइंग अगर आपको बनवानी हो और आप चाहते हो कि आपका घर बहुत खूबसूरत बने तो उस सिलसिले में यहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने उनका नंबर भी देखा होगा एक दीवार के ऊपर। ये एक पेंट फैक्ट्री है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है जिसको जदीद कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ पे बहुत सी कब्रें आपको मिलेंगी, हमारे बुज़ुर्ग जो माजी में फौत हो चुके हैं
ये काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है, लेकिन इसको जदीद कहा जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा है, एक बड़े वसी रकबे पर ये कायम है, इसलिए इसको जदीद कब्रिस्तान कहा जाता है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि शॉप्स जो हैं वो दिखाई दे रही है। ये रास्ता आगे सर से चौक की तरफ जाता है, जहाँ से आप किसी भी शहर की तरफ जा सकते हैं। अब हम इस दूसरी साइड पे आ गए हैं, अपोजिट साइड पे, ताकि आप वो उसका व्यू भी दिखा सकें। यहाँ पे आटे की मुख्तलिफ चक्कियाँ हैं, जहाँ से आप हरा क्वालिटी का आटा खरीद सकते हैं। काफ़ी तंग रोड है, इसलिए ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं ज़्यादा है, और हमें चलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि रोड के ऊपर रश है। हमारे कैमरामैन का कैमरा आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा शेक हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स की वजह से कैमरे को एक जगह स्टिल करना मुश्किल हो रहा है। बहुत जल्द हम आपको अपने कैमरामैन से भी मिलवाएंगे जिन्होंने ये वीडियो शूट की है। ये कब्रिस्तान जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, जदीद कब्रिस्तान, ये उसकी वॉल, आउटर वॉल है, काफ़ी बड़ा है। कभी आप विज़िट करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े एरिया पर फैला हुआ है, और इसको जदीद कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके बाहर मुख्तलिफ मैकेनिक्स, इसमें गाड़ियों के, रिक्शों के, हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल, सीएनजी, मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिक मौजूद हैं। ये हम उसकी दरा जगह के करीब पहुंचने वाले हैं, इस कब्रिस्तान के। ये उसकी कब्रिस्तान की जनरल जगह, आप यहाँ से एंट्री होती है। लोगों की चहल पहल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दिन का वक्त है। ये रास्ता आगे डोक कंपर की तरफ जाता है, इसकी हम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो बहुत मशहूर नदी है यहाँ की। लोग माशी सरगर्मी में मशरूफ हैं, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये रास्ता भी टोक कंपनी की तरफ जाता है, इसके ऊपर की पॉलिसी बनी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हम वापस मयूर की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली स्क्रैप के डीलर, जिन्हें यहाँ लोकल जबान में कबाड़ी भी कहा जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको मुकम्मल व्यू दिखाएं, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप ज़ाती तौर पर इस वक्त इस इलाके में घूम रहे हैं। इसके लिए हमारे कैमरामैन हैं, उनको सपोर्ट करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और जल्द हम आपको अपने कैमरामैन से भी मिलवाएंगे कि कितनी मेहनत से वो ये वीडियो आपके लिए शूट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ गलियाँ इस रोड के ज़रिए आगे इलाकों की तरफ जाती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी आटे की मिल भी है, जिसको अल खज़र फ्लोर मिल कहते हैं। अभी आपको उसका गेट हम दिखाएंगे। बहुत सी गलियाँ जो हैं वो यहाँ से मौसम इलाकों की तरफ जाती हैं। एक बहुत कदीम मोहल्ला है, कदीम रोड है। हमारी कोशिश है ये वो मिल जो मैं अभी आपको अब जिक्र कर रहा था, उसका गेट है। इस वक्त ये बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि
गवर्नमेंट ने कुछ टाइमिंग्स फिक्स की हुई हैं, इस वजह से इसका गेट बंद आपको मिला। काफ़ी लंबी लंबी गलियां हैं जो यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ जाती हैं। हमारी कोशिश है कि हम जितना स्लो आपके लिए, कि हमने इंतहाई स्लो ड्राइव करते हुए वीडियो बनाई है। ये रास्ता आगे संडे बाज़ार को जाता है, जिसको बार बाज़ार भी कहते हैं। इसके कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि ये लड़कियों का कॉलेज है, और इसके साथ ये लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल भी है। अब हम कमेट चौक के करीब वापस पहुँचने वाले हैं। मुख्य शोरूम जहाँ से हम गाड़ी हायर कर सकते हैं रेंट पे, परचेज जो भी। और ये यहाँ का बहुत बड़ा प्लाजा जो हिंदी में वाक है, मॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।